नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज़। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के जो बेहतरीन एक्टर है वह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन की जो भतीजी है उन्होंने एक्टर के भाई पर यानी कि भतीजी ने चाचा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के सामने एक के बाद एक मुसीबत आकर खड़ी हो रही है। कुछ दिन पहले नवाज की पत्नी आलिया ने उनसे तलाक मांगा और उन पर कई तरह के आरोप लगाए और अब नवाज की भतीजी ने एक्टर के भाई यानी अपने चाचा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एक न्यूज एजेंसी से जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने दिल्ली के जामिया नगर पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पूरा परिवार मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। हाल ही में एक्टर की भतीजी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनास पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके कारण दिल्ली के जामिया नगर में मिनास के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें मिनास पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने बताया है कि जब मैं 2 साल की थी तभी मेरे अब्बू और अम्मी का तलाक हो गया था, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहकर जॉब कर रहे थे। तलाक के बाद मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़ दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने यह भी बताया कि मुझे कभी भी अपने बड़े पापा का सपोर्ट नहीं मिला है, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। नवाज बड़े पापा ने बस एक बार मुझसे पूछा था कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, इस पर मैंने कहा था कि मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और बात को टाल दिया। मुझे लगा था कि बड़े पापा मुझे समझेंगे, लेकिन उन्होंने कहा चाचा है वो तेरे और ऐसा कभी नहीं कर सकते। आगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने यह भी बताया कि जब मैं 9 साल की थी तब से ही मेरे चाचा मिनास शोषण करते आ रहे हैं, उस वक्त मैं छोटी थी इसीलिए मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो मेरे चाचा है, लेकिन अब जाकर समझ में आ रहा है कि उनका टच काफी अलग था। वहीं आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अपना पक्ष रखते हुए आलिया ने नवाज पर आरोप लगाया था कि वो कभी भी अपने बच्चों या फिर उनके साथ समय नहीं बिताते थे। इसके अलावा नवाज का उनके साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं था। हालांकि आलिया ने यह साफ कर दिया कि नवाज ने कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो अक्सर उन पर चिल्लाया करते थे, जो उनके लिए बर्दाश्त करने के लिए मुश्किल हो गया था। इसके साथ ही आलिया ने नवाज के भाई समाज सिद्दीकी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं।